वंस अगेन विच इज़ रंजनाज कैसल। और अभी सुबह सुबह के 8 बजे हैं और आप मेरी शक्ल देख करके समझ सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा नींद में हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और हम जा रहे हैं शिलोंग। शिलोंग मेरा ससुराल है, तो वैकेशंस बच्चों के जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद उनके वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग लास्ट ये कोविड के टाइम से बहुत दिनों से, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 22 मंथ्स, मोर देन 22 मंथ्स आई एम गोइंग बैक टू माई ससुराल। और अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट में बैठे हैं, फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं और पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा यहाँ पर रश है। मुझे तो एयरपोर्ट पर इस यहाँ पर इतना रश देख करके ना लग रहा है जैसे सारे के सारे लोग ही सब के सब शिलोंग जा रहे हैं। इतना रश है, आप मेरे पीछे देखिए कितने लोग, कोविड का कोई अता पता ही नहीं है, इतने लोग कैसे बाहर एक साथ निकल सकते हैं पता नहीं। सुबह सुबह घर से निकलने से पहले चाय पिया था मैंने, चाय और बिस्किट्स, लेकिन अभी मुझे इतनी नींद आ रही है ना कि आई थिंक मुझे एक कप कॉफ़ी या चाय मिल जाए तो अच्छा है। और पता नहीं क्यों सारे लोग घूर घूर के मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं किसी क्राइम, मतलब मैं कुछ क्राइम रिपोर्टर्स जैसे होते हैं ना, क्राइम के बारे में रिपोर्ट करते हैं, वैसा कुछ एक लग रहा है। आसपास वाले पता नहीं क्यों देख रहे हैं मुझे, इट्स मेकिंग मी सो अनकम्फर्टेबल, पता नहीं क्यों सब के सब देख रहे हैं। चलो कोई नहीं, देखने दो, मैं कुछ चाय या कॉफ़ी का बंदोबस्त करके आती हूँ। तो फाइनली लैंडेड एट गुवाहाटी एयरपोर्ट, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत रश है, लगेज के लिए रुके हुए हैं हम लोग और मुझे वहाँ पर कॉफ़ी मिला नहीं कहीं पर भी, मतलब जहाँ हम बैठे थे वहाँ पर आसपास कॉफ़ी का कोई शॉप नहीं था और कॉफ़ी का तो यहाँ पर भी मुझे मिलने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। बट आई रियली बैडली नीडेड कॉफ़ी और चाय, कुछ भी मुझे बहुत चाहिए, मेरे तो सर में भी बहुत दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं यहाँ से निकल करके, यहाँ से निकल कर सीधा गाड़ी पकड़ के हम एकदम शिलोंग के लिए चले जाएंगे। मैं पहले कॉफ़ी या तो कुछ बंदोबस्त करती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। एखने कोथाओ पावा जाए ना, कॉफ़ी तो मिला, मशीन वाला कॉफ़ी तो चलेगा, कुछ ना हो तो ये भी काफ़ी है। मुझे भूख भी लगा था तो मैंने कप नूडल्स भी ले लिया अपने लिए, देखती हूँ अभी, क्योंकि अभी और 2 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ से शिलोंग तक जाने के लिए, तो बहुत भूख भी लग रहा है। खा पी लेती हूँ पहले, उसके बाद का फिर सोचेंगे। हम लोग अभी फ्लाइट से उतर चुके हैं और हम लोग अभी जाएंगे शिलोंग की तरफ। और देखिए ये लोग रुक कर, मैं बता ही चुकी हूँ मुझे बहुत भूख लगा था, रुक कर बोल रहा था। अभी देखो, देखो दूसरों को बोलती है भूक कर, खुद क्या है, भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है, दो घंटे की लगातार ड्राइव के बाद ना पैर मेरा एकदम सुन्न हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए रुके हैं और कुछ खा पी भी लेंगे। खाने पीने
कि वैसे कोई मतलब उतना कुछ है नहीं भूख, लेकिन वो जो ड्राइवर भैया है साथ में उनको भूख लगा है, वो कुछ खा लेंगे। और पैर भी मेरा जम गया है, बाप रे इतनी देर से बैठे बैठे ना, तो थोड़ा पैर का भी कसरत हो जाएगा। ये अभी फ़िलहाल तो हम गुवाहाटी शिलोंग के मिडिल में भी नहीं पहुँचे हैं, टाइम लगेगा पहुँचने में, पता नहीं। बाहर नहीं आएगी, भूख नहीं लगा है, पैर में दर्द होगा, निकल के थोड़ा सा चल लो। सुस्त लड़की। चाय मिल जाता तो थोड़ा अच्छा होता। मैं सुबह से दो बार कॉफी ऑलरेडी पी चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे चाय पीना था, पर अभी मैंने चाय या कॉफी के बारे में बोला भी ना तो मुझे सीधा मार ही डालेंगे ये लोग। कौन है ये? मेरा देवर है, ये सबसे छोटा वाला Hello. है ना। हाँ, मेरे बारे में कुछ अच्छी बात बता दे। सब मुझे बहुत गंदा बोलते, तू थोड़ा नहीं, अच्छा नहीं, बोलते। कौन बोला गंदा यार? सब बोलते हैं ये अच्छी नहीं है, सब मेरे ससुराल वाले सब बोलते हैं ये मेरा ससुराल वाला ही है। इसको पूछना पड़ेगा मैं कैसी हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छी हो ना? ये जो वीडियो बना रही है खाली हूँ कर, वहाँ क्यों लेके जा रहे हो? आकाश बताओ उसका खाली दोस्तों। मैं आ गई हूँ घर में, पहुँच गई हूँ। ये मेरा ससुराल है, और अभी आकर के फ्रेश होकर नहा धोकर के लंच वगैरह करके अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद में शाम को मुझे पता नहीं है कौन कौन कैमरे के सामने आना पसंद करेगा, कौन नहीं करेगा। आई विल ट्राई, कोई आता है तो मैं मिलाऊँगी मेरे घर वालों से आप सभी को। तो अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ शाम को। गुड इवनिंग दोस्तों। खाना वाना खा करके मैं सो गई थी, और यहाँ पर ना ठंड है, मतलब आपको तो पता ही है मुझे ठंड से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, और यहाँ ठंड है। और ये देखो मेरे बालों का हालत कैसा हो गया है, आज पूरे दिन ट्रैवलिंग करके ना रास्ते का धूल मिट्टी हवा कैसा झाड़ू के जैसा लग रहा है। कुछ करते हैं इनका, इसको शायद मैं ऑयलिंग करूँगी अभी। चाय मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन मुझे इतना ठंड लग रहा है, चाय पे मतलब चाय के लिए बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं आपको बच्चों से मिलाती हूँ, मैंने अभी तक आपको बच्चों से नहीं मिलाया। सारे बच्चों को बुलाओ तो एक बार, सारे बच्चों को बुला के लाओ, फटाफट बुला के लाओ। ये है मैडम परिणीता, बेचारी थक गई है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से, अभी सो रही है। इसके अभी थोड़ी देर में फिर से ट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये उठ के फिर पढ़ने बैठ जाएगी। और छोटू और उसके बाकी सारे कहाँ हैं मुझे पता नहीं है, ढूंढ ढूंढ के मैं बुला के लाती हूँ सबको एक एक करके यहीं पर। यस, कहाँ है वो लोग? अच्छा अच्छा, पढ़ा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। मम्मी धुलाई भी दे रही है साथ साथ में, डांट रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उन लोगों को पहले इतने ठंड में तो मैं
मेरा कुल्फी जम जम जाएगा। अच्छा ठीक है, इन लोगों का छुट्टी होने बाद मैं आपको मिलाता हूँ। चाय मिल गया है मुझे, सबसे शांति वाला चीज, आराम से चाय पीऊंगी अभी बैठ करके। चाय वाय तो मैंने पी लिया है दोस्तों, अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं मेरे लगेज को ना खोल करके सब जगह जगह पर रख देती हूँ तो आसानी होगा। अभी तो मैं यहाँ रहने वाली हूँ कुछ दिनों तक, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अभी लगेज सारा सामान को खोल खोल करके अलमारी वगैरह में घुसा लेती हूँ, क्योंकि सूटकेस से किट बैग से निकाल निकाल करके यूज़ करना भी मुश्किल है, और फिर सारा सामान सेटअप हो जाने से ना खुद के लिए भी बहुत आसान रहता है। तो बच्चे वगैरह सभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके तो स्कूल्स चल रहे हैं, हमारा भी वेकेशन है, यही होता है हर साल जब हम वेकेशन में आते हैं तो उनके एग्जाम उनका स्कूल चलता है, जब वो वहाँ जाते हैं वेकेशंस में तब हमारा स्कूल चलता है, तो ऐसा ही है। पर अभी कुछ कर नहीं सकते इस बारे में, मैं काम करती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। सारे बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करके गुड बॉय गुड गर्ल होकर के आ गए हैं, मैं आपको मिलाती हूँ। सबसे पहले मैं मेरे फेवरेट बच्चे से मिलाती हूँ। बाबा आ जा, आप मिल चुके हो इससे, हम फिर से मिलेंगे। ये मेरे चीनू बाबा, से हाय। हाय एवरीवन, याद है ना सब आपको, ये गया था हमारे वहां पर, अब हम इसके यहाँ आए हैं। हाँ। ये अच्छा बच्चा पढ़ाई करके अभी रात को क्रिकेट खेल रहा है। और बहन कहाँ है? बहन को भी मिलाएंगे ना, बहन को भी बहन, हाँ बहन जाओ बुला के लाओ बहन को। और ये है रिद्धि, से हाय। क्या कर रहे हो आप, ये क्या गंदा सा काम कर रहे हो आप, ये क्या है? मैंने पानी में शार्पनर शार्प करके कलर को फिर उसके वो गंदगी को यहाँ, मतलब गंदगी फैला रहे हो आप घर में। मम्मी ने देखा ना तो पीठ का एकदम सारे हड्डी एक साथ हो जाएगा। मम्मी मम्मी के आने से पहले फेंक दो जल्दी से और इसको साफ करके रख दो। पर मुझे ये अच्छा लगा। चलो अभी डिनर करने के लिए चलो, अभी बहुत रात हो गया, 10:30 बज गया, इट्स टू लेट। बच्चे लोग इतने लेट से खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। चलो तो दोस्तों अभी डिनर का टाइम हो गया, इट्स ऑलरेडी 10:30, हम बहुत लेट हो गए हैं और आज बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हूँ सारे दिन जर्नी और ये सब करने के वजह से। तो अभी डिनर करके मैं हम सब सो जाएंगे और मैं आपसे मिलती हूँ फिर कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। डू लाइक शेयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज रंजना कैसल। Good night. Good night, Sudhim.